मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेजी का, मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मसाला पाव की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी मॉडर्न होम अप्लायंस के रिव्यूज़ आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलते हैं, एवरी उसके जो बेस्ट बाइंग लिंक्स रहते हैं एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगे तो आप उसको बेस्ट डिस्काउंट्स में उसको परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मसाला पाव की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके लिए मैंने यहाँ पे चार व्हाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, हरा धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच बटर, यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है मैंने, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला जो कि एक मेन इन्ग्रीडियंट है इस रेसिपी का, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, तेल लगेगा हमें दो से तीन बड़े चम्मच। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम ब्रेड को कट कर लेंगे चार टुकड़ों में, आप चाहें तो ब्रेड की जो किनारी होती है उसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से चार टुकड़ों में कट कर लिया है। सबसे पहले एक पैन ले लिया है, उसको प्री हीट कर लेंगे, उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल के, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा जैसे ही तड़कने लग जाए उसमें डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज भी हम साथ ही में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए प्याज जो है हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर को, मिला लेंगे अच्छे से। अब इसको ढक देंगे, ढक के इसे हम पकाएंगे ताकि टमाटर जो है जल्दी गल जाए। और यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। अब इसमें डालेंगे मसाले, तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे अच्छे से, पाव भाजी मसाला भी साथ ही में डाल देंगे, ये मेन इंग्रेडिएंट है, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, मिला लेंगे अच्छे से, और लो फ्लेम पे ही मसालों को हम आधे मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बटर को, बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे बटर ले लिया, बटर को आप जरूर डालें। मिक्स कर लेंगे बटर को अच्छे से, मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्का सा पानी, मतलब देखिए यहाँ पे बस दो से तीन बड़े चम्मच पानी डाला है, ये हम ब्रेड को मसाला लगने के लिए पानी डाल रहे हैं, नहीं तो ब्रेड में अच्छे से मसाला कोट नहीं होगा। अब इसे एक मिनट तक हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे ब्रेड के पीसेस जो हमने किए थे, आपके ब्रेड वगैरह भी अगर बच जाते हैं तो इस तरीके से आप बना के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिला के रखेंगे, क्योंकि देखिए अब पानी डालने से जो है कोटिंग अच्छे से हो रही है। तो देखिए मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, इसे दिखने में भी अच्छा लगेगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा इसका। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, एक मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, इसे ढकेंगे नहीं। देखिए मस्त मसाला पाव हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो इसको अभी गैस को बंद कर देंगे और सर्व कर लेंगे इसको। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है हमारा मसाला पाव, एकदम खुशखुशी मसाला पाव हमारा तैयार हो गया है बनके, खाने में तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी मेरी सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।